हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितास ग्रीन कॉर्नर। तो मैं आज आपको गुड़हल या तो हिबिस्कस प्लांट की कैसे ठीक से केयर किया जा सकता है उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी, और मैं दिखाऊंगी मेरे जो कुछ प्लांट्स थे जो लगभग मरने वाले थे उनको किस तरीके से मैं बचा ली, और आप मेरे जो प्लांट्स के लीव्स से कितना शाइनी है, ग्रीन है, उसको देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी हेल्दी है। तो रूल वन, तो पहले हम लोगों को प्लांट से जितने भी येल्लो लीव्स होता है उसको निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो ड्राई लीव्स होते हैं, येल्लो लीव्स होते हैं, वो प्लांट्स की एनर्जी ले लेते हैं। तो पहली बात, हम लोगों को येल्लो लीव्स को निकाल के फेंक देना है। ये देखिए, और मेरे ये सारे प्लांट्स लगभग 4 साल 5 साल पुराने हैं, कुछ भी नया प्लांट नहीं है। फिर भी ये हाइब्रिड वेराइटी का है, इसलिए इसका हाइट भी इतना बड़ा नहीं है, और ये जब फ्लावरिंग हो जाता है उसके बाद मैं इसका हार्ट प्रूनिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरा ये कैमलिया की भी प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग कितने बढ़िया से हुआ है। ये देख लीजिए, मेरे जितने भी हिबिस्कस प्लांट्स से कितनी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं देखिए। तो मैं पहले जितने भी येल्लो लीव्स से उनको निकाल रही हूँ, और जितने भी ड्राई फ्लावर से मतलब खिल चुके हैं वो भी, उन लोगों को भी सब मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये कल मैं आपके साथ वीडियो शेयर की थी, ये सब खिले हुए थे, अभी मैं इसको सबको डंडी से ही निकाल रही हूँ, स्टेम से। ये देखिए, मेरे प्लांट्स में भी देख सकते हैं कितने सारे कलियाँ भी खिली हैं, एक एक प्लांट में 4-4 5-5 कलियाँ भी हैं। और रूल नंबर टू, आप देखिए ये मिली बग से अटैक्ट है या नहीं, तो आपको बीच बीच में ये चेक करना है, वो लिप्स के पीछे या तो जो स्टेम है उसमें ही मिली बग्स हो जाते हैं। तो मैं कल आपको तरीका भी बताई थी, या तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, या तो जो हैंड वॉश है उसको डाइल्यूट करके पानी में उसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैं ये करके देखिए, मेरे एक भी मिली बग नहीं है, आपको प्लांट्स हेल्दी दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे पुराने प्लांट्स हैं, नया प्लांट एक भी नहीं है। ये देखिए, ये भी येल्लो लीव मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, और ये देखिए, और ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये एक्चुअली मरने वाला था। मैं सोची थी कि ये शायद बिल्कुल जी भी नहीं पाएगा, पर मैं इसको बचा ली, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रूल थ्री है, इनका हमें अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है रेगुलरली, मंथ माने वंस अ मंथ उसको अच्छे से करना है। आपको पता चल रहा होगा इसका मिट्टी कितनी भुरभुरी है, सॉफ्ट है, इसको वेल्ड्रेन सॉइल की बहुत ही ज़रूरत होती है, और इनको खास देखभाल की इतना भी ज़रूरत नहीं है, ये आडी प्लांट है, थोड़ा सा ही बस इनका प्रॉपर केयर कर सकें तो ये बहुत बढ़िया से चलते हैं, बुशी बनते हैं, और फ्लावर्स भी बहुत बढ़िया से देते हैं। ये देखिए, तो मैं ये गुड़ाई कर रही हूँ इसको, और जो भी इसके नीचे में ग्रास था, वेड्स था, उसको सबको निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी से सारे एनर्जी ले लेते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो मैं यही प्लांट को एक्चुअली दिखाने वाली थी, मैं अपनी जितना एक्सपीरियंस है इसके शेयर करने वाली थी आप सबसे। ये देखिए, ये बहुत ही पुराने प्लांट है, इसको 4 ईयर शायद हो गया है, इसका हार्ड प्रूनिंग की थी, ये स्टेम से आपको पता चल रहा होगा, और ये मैं इसमें थोड़ा सा सूखा हुआ चाय की पत्ती, जो मतलब एक बार हो चुका, मैं कल दिखाई भी थी आपको, उसको सुखा के थोड़ा थोड़ा सा ही मैं दे देती हूँ इसमें, थोड़ा गुड़ाई करने के बाद। ये देखिए, और इसमें जो बोन मील मिक्सचर भी मैं आपको दिखाई थी उसका भी थोड़ा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो 15-20 दिन में इसमें दे देती हूँ, तो बाहरी किनारे में ही देती हूँ, अंदर की तरफ नहीं देती हूँ, रूट्स के पास। और इसको ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप देखें टॉप सॉयल उसका ड्राई लगने लगे उस टाइम में ही उसको पानी दीजिएगा। विंटर सीजन में तो वंस अ वीक आप दे सकते हैं। ये देखिए कितने सारे बर्ड्स है, यहाँ पे कलियाँ खिली हुई हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये 1 2 3 4, और ये साइड में देखिए 5 6 6 कलियाँ यहाँ पे खिली हैं,
ये देखिए मेरे प्लांट का ग्रोथ देखिए, जो मरने वाला था देखिए अभी उसका हाल देखिए। तो ये दूसरा एक प्लांट है, इसका भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ और इसमें जो मैं खाद दूंगी वो गोबर की खाद है। तो हमारे जो दूध वाले भैया देते हैं उनके घर से मैं लेके आई थी, तो ये 1 ईयर तक रह गया था वो खाद और ड्राई नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं वो कैसे सूख गया है। तो बिल्कुल वो सूख के उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है और वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कोई केमिकल्स नहीं कुछ नहीं। ये देखिए मैं इसके भी जो ये भी बहुत साल पुरानी प्लांट है तो इसका रूट्स थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है तो मैं निकाल के फेंक रही हूँ, और जितने ग्रास है वो भी निकाल के मैं फेंक रही हूँ। देखिए ये ड्राई लीव्स से उसको निकाल रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी जो गोबर की खाद सूख गया है, आप देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गोबर है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप इसको टच भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी थोड़ा थोड़ा सा 15-20 दिन में, क्योंकि अभी फ्लावरिंग चल रहा है, स्प्रिंग है तो इनको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, इसको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरत होती है। तो देखिए मेरे सर प्लांट्स में कितने सारे कलियाँ खिली हैं मैं दिखा रही हूँ आप सबको, ये देखिए सारे प्लांट्स में। तो ये एक हार्डी प्लांट है, आप ठीक से इसका केयर करेंगे तो ये सालों साल आपके साथ रहते हैं। बस फ्लावरिंग फिनिश होने के बाद इसको प्रूनिंग कर लीजिए, फिर से वहाँ पे नए ब्रांचेस लीव्स निकलेंगे। तो आपको अगर मेरी चैनल अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब।